अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नजर डालते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट्स शाहीन एकेडमी इन हैदराबाद। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट इज आवर स्ट्रेंथ। द कोर्सेज ऑफर्ड फॉर एमपीसी स्टूडेंट्स आर आईआईटी जेईई एंड नीट कोचिंग फॉर बाईपीसी स्टूडेंट्स। एक्सीलेंट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑफ 20 प्लस इयर्स। डिसिप्लिन्ड, क्लीन एंड गुड हॉस्टल कैंपस फॉर द स्टूडेंट्स। Admissions are open at our branches in Malakpet, Masabtank and Aramgarh in Hyderabad. Hurry up! NEET Crash Course starts from 20th March 2020. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shariat mein baaz asbab wa azaad ki wajah se tarke jamaat ki ijazat di gayi hai. Maujooda corona virus bhi inhi asbab mein shamil hota hai. इसके पेश नज़र जो लोग अपने घरों में तन्हा बाजमात नमाज पढ़ लेते हैं तो शरण कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह सुबहान व तआला इन्हें जमात का सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। खुसूसन ज़ईफ हज़रात और बच्चे इससे एहतियात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जिन लोगों में इस मरस की अलामत पाई जाएँ तो उन्हें चाहिए कि इस्तेमात के मकामात पर न जाएँ और मसाजिद में भी आने की कोशिश ना करें, अपने घरों में नमाज अदा कर लिया करें। और जो लोग मसाजिद में नमाज अदा करेंगे उन्हें चाहिए कि फ़राइज़ व वाजिबात के तकमील के बाद नवाफिल घर में अदा करें। आइमा व खुतबा को हिदायत दी जाती है कि खुतबा और नमाज मुख्तसर तौर पर अदा करें और खुसूसन दुआओं का अहतमाम करें। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।